आज हम आपको श्रावण सोमवार की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। लिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। प्राचीन समय में अमरपुर नामक एक नगर में एक धनी व्यापारी निवास करता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी और उदास रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था, उसके यहां कोई संतान नहीं थी। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसकी मृत्यु के बाद इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा किया करता था, व्रत किया करता था, और सायंकाल के समय शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी के सामने घी का दीपक भी प्रज्वलित किया करता था। उस व्यापारी की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को देख करके एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है, कितने दिनों से यह व्यापारी सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान इस व्यापारी की मनोकामना आप जरूर पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है, तो इसका जब उचित समय आएगा तब इसे भी फल मिलेगा। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने भगवान से आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूर्ण करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगा करके एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। माता पार्वती जी का इतना आग्रह सुन करके भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी उसे स्वप्न में भगवान ने बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे बहुत दुखी कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा, पूजन करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसके घर में अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई, परंतु धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया और बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसके यहां पुत्र की प्राप्ति हुई थी। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके पुत्र की अल्पायु है। यह रहस्य घर में किसी और को पता नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष की आयु को प्राप्त हो गया तो उसे विद्या अध्ययन के लिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्ति के लिए वाराणसी लेकर के जाओ। अमर अपने मामा के साथ विद्या अध्ययन करने के लिए निकल गया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहां पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशियां में पूरा नगर सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काणे होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी और बारात खाली लौट जाएगी।
वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में, उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि न क्यों न इस लड़के को दूल्हा बना करके राजकुमारी से इसका विवाह करवा दूं और विवाह के बाद इसको धन दे करके विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा, अपने घर की वधू बना लूंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात को स्वीकार कर लिया और अमर को दूल्हे के वस्त्र पहना करके राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर के राजकुमारी को विदा कर दिया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आंख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। राजा ने सब बातें जान करके राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी में विद्या अध्ययन करने के लिए पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में शिक्षा की शुरुआत की, पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात्रि को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। भगवान शिव जी के वरदान के अनुसार शयना अवस्था में ही अमर के प्राण पखेड़ू उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा अमर को मृत देख करके रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर के दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गूंजते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर के अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले कि हे देवी, हे पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु अब पूर्ण हो गई है। पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो करके अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से वह सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का पुनः वरदान दिया और कुछ ही पल में वह बालक जीवित होकर के उठ बैठा। विद्या अध्ययन पूर्ण होने पर शिक्षा की समाप्ति करके अमर अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को अपने महल में ले गए और बहुत सत्कार किया, आतिथ्य किया और कुछ दिन उन्हें महल में रख करके बहुत सा धन वस्त्र दे करके राजकुमारी के साथ में विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी उनके साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेज करके अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर को जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। भूखे प्यासे रह करके व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा करते करते यह भी प्रतिज्ञा ली थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे दोनों भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर के, आगमन का समाचार सुनकर के
पुत्र वधु राजकुमारी चंद्रिका को देख करके उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव जी ने व्यापारी के स्वप्न में आकर के कहा कि हे श्रेष्ठी भक्तजन, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर के तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो स्त्री पुरुष श्रावण सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और इस व्रत कथा को सुनते हैं, उनके जीवन की सभी इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अब हम आपको स्कंद पुराण में जो श्रावण सोमवार का महत्व बताया गया है उसकी कथा सुनाने जा रहे हैं। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महत्व आपके मुख से सुना है, अब आप श्रावण मास में आने वाले सोमवार का महत्व मुझे बताइए। देवाधिदेव महादेव ईश्वर बोले कि हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महत्व इतना श्रेष्ठ है तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महत्व मेरे लिए वर्णन के योग्य है उसे मैं आपसे कहता हूं। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है, यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा है, मेरा स्वयं का स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। हालांकि कलयुग में इस विधि का पालन करना और इस प्रकार व्रत रखना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन इस महात्म को सुनने पर भी मनुष्यों को 16 सोमवार या सावन सोमवार या सोमवार व्रत का पूरा पुण्य मिल पाएगा। 12 महीनों में सोमवार व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। इस माह में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के किए गए व्रत का फल प्राप्त होता है। श्रावण में या कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, दोनों ही पक्ष में सोमवार का व्रत जरूर करना चाहिए। जो प्रथम सोमवार आए उस दिन विधिवत संकल्प करे, मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी। शिव जी, हे देवाधिदेव महादेव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जितने भी सोमवार श्रावण के महीने में आए उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। प्रातः काल में संकल्प करें और सुबह और शाम दोनों समय भगवान की पूजा करें, शिवलिंग का पूजन अर्चन करें, 16 उपचारों से 16 प्रकारों से भगवान की पूजा करें, एकाग्र चित्त हो करके और दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कहे जाने वाली विधि को अब मुझसे कहिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी प्रकार से सर्वप्रथम प्रातःकालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पवित्र होकर के श्वेत वस्त्र धारण करके काम क्रोध अहंकार द्वेष निंदा आदि का परित्याग करते हुए मालती मल्लिका आदि सफेद पुष्पों को एकत्रित करके लाए। इसके अतिरिक्त अन्य विविध प्रकार के अनेकों प्रकार के पुष्पों से तथा अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मूल मंत्र से भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। उसके बाद कहे कि हे देवाधिदेव महादेव, हे भावनाश महादेव, उग्र उग्रनाथ भाव शशिमोली रुद्र नीलकंठ शिव तथा भवहारी का मैं ध्यान करता हूं। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन अर्चन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का माता पार्वती जी के सहित पूजन अर्चन करते हैं,
वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक को प्राप्त करते हैं, शिव लोक को प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूं। देवताओं तथा दानवों से भी अवैध 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अच्युतम व्रत को उपवास पूर्वक धारण करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन की चाहने वाला धन को प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोग को भोग करके अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर के वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझ करके प्रयत्न पूर्वक श्रावण सोमवार का व्रत करना चाहिए और इसका उद्यापन भी करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा माता पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आपको भगवान ने समर्थवान बनाया है, आपके पास धन है, तो प्रभु के लिए धन का बिल्कुल भी कंजूसी न करें, कृपणता न दिखाएं। और दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडल ब्राह्मण के द्वारा निर्मित करवाए, उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट की स्थापना करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव जी की स्थापना करें। उसके बाद श्रुति स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से भगवान की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोबा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात्रि में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने ग्रह्य सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि की स्थापना करें और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव व्रीही तिल आदि की आहुति ओम नमः शिवाय या फिर आप्यायस्व इत्यादि जो मंत्र होते हैं, इन मंत्रों और बिलपत्र की आहुति महामृत्युंजय मंत्र से प्रदान करें या फिर पंचाक्षर मंत्र से आहुति प्रदान करें। इसके बाद विद्वान ब्राह्मणों के निर्देशन में सृष्टिकृत हवन करके पूर्णाहुति दे करके आचार्य का पूजन करें। उसके बाद उन्हें गौदान देवे और 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट का दान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दान दे और उसके बाद प्रार्थना करें कि मेरा यह व्रत परिपूर्ण हो, हे भोलेनाथ, हे शिवजी, मुझ पर प्रसन्न हो। इसके बाद बंधुओं के सहित हर्ष पूर्वक पूरे परिवार के साथ स्वयं भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य व्रत करता है और उसका उद्यापन करता है, वह जिस जिस अभिलाषित वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय ही वह प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अंत में शिव लोक को प्राप्त होकर के उस लोक में पूजित होता है। भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार, सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं भी और अनेक राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है या सोमवार के दिन इसको सुनता है, वह व्रत करने के संपूर्ण पुण्य फल को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। यदि आप व्रत कर पाते हैं तो अति उत्तम है, और नहीं भी कर पाते हैं तो इस कथा का यदि आप श्रवण करेंगे तो निश्चित तौर से आपको श्रावण सोमवार व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो पाएगा। श्री स्कंद पुराण अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद, श्रावण मास महात्म्यम सदा शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।
अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम बोलिए शंकर भगवान की जय पार्वती माता की जय गजानंद गणपति भगवान की जय। भक्तजनों माताओं बहनों यदि आप श्रावण सोमवार के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं वस्त्रदान अन्नदान गोदान या फिर कोई भी पूजन पाठ हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं तो इस हेतु अपना नाम और गोत्र व्हाट्सएप के माध्यम से भेज करके नगद राशि हमारे गूगल पे फोन पे अथवा पेटीएम नंबर या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके श्रावण सोमवार का संपूर्ण पुण्य लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।